तो दोस्तों भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई इलेक्ट्रिक कार निसान की नई एरिया, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों निसान किक्स की लॉन्चिंग के दौरान निसान ने माना था कि मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार निसान एरिया जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च की जा सकती है। वहीं निसान ने एरिया की टेस्टिंग भी शुरू कर दी थी। भारत की सड़कों पर कई बार एरिया को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। निसान की ये इलेक्ट्रिक कार JC08 में 400 किमी का दूरी आराम से प्रदान कर सकती है। दोस्तों हालांकि भारतीय बाजार में निसान कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई है, वहीं हाल ही में निसान किक्स की लॉन्चिंग के बाद निसान थोड़ी बढ़ोतरी में दिखी है। ऐसे में निसान के लिए जरूरी है कि वह बाजार में नए प्रोडक्शन लॉन्च करे। रिपोर्ट के मुताबिक निसान को उम्मीद है कि दुनिया भर में वाहवाही लूटने वाली नई निसान एरिया जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च होगी और इसका मुकाबला काफ़ी अच्छी और सस्ती कारों से होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आएगी। दोस्तों भारत में लॉन्च होने वाली निसान एरिया को सेकंड जनरेशन की होगी और इसमें आपको ई पावर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। एरिया को पहले ही एशिया देशों में बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि भूटान में भी इसे लॉन्च किया जा चुका है। वहीं यूरोप में ये बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों में से एक मानी जाती है। एरिया में आपको दोस्तों EM57 इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है जो कि आपको 150 PSP की पावर और 320 NM का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। दोस्तों निसान की ये इलेक्ट्रिक हैचबैक फुल चार्ज होने में 3 किलोवाट के चार्जर पर 8 घंटे का वक्त लेती है, जबकि 6 किलोवाट के चार्जर पर आधे समय में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो दोस्तों 40 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। एरिया में दोस्तों आपको काफी अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। दोस्तों वहीं निसान की टीम का कहना है कि कंपनी निसान की नई इलेक्ट्रिक कार एरिया को देश में नहीं बनाएगी, बल्कि इसे CBU यूनिट कंप्लीट बिल्ड यूनिट के तहत भारतीय बाजार में इंपोर्ट करवाएगी। अगर इसकी कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में इस कार की कीमत करीबन 6 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए के अंतर्गत रखी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस कार के अंदर दोस्तों आपको सारे ही एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर सनरूफ तक आपको सारी फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ एयरबैग्स की सुविधा और सेफ्टी फीचर्स का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक कार काफ़ी अच्छा विकल्प भारतीय बाजार और भारतीय ग्राहकों के लिए बन सकती है। बाकी दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को बिना लाइक करें बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।